पहली बार ऐसा टास्क जैसी चीज फीलिंग आई कि लड़कों को अलग कर दिया गया, लड़कियों को अलग कर दिया गया। सेटअप बहुत क्यूट था और करण वहाँ पे नहीं था, तो समझ में आ गया कि अनुषा का हमारे साथ गर्ल ऑन गर्ल टॉक होगा, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। हाय गर्ल्स, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये हमारे टाइम है, लाइक फॉर जस्ट अस गर्ल्स टू हैव अ लिटिल टाइम टुगेदर। एंड बिफोर वी गेट इनटू आवर लव लेसन, आई वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद यू, टॉकिंग टू यू अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों को लग रहा था कि हमको क्या सिखाने वाले हैं। एक तो एक्साइटमेंट भी था कि प्यार का फर्स्ट लेसन क्या होगा। वेल, टुडेज सब्जेक्ट इज अट्रैक्शन एंड फिजिकल इंटिमेसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। समबडी टेल मी, व्हेन दे फर्स्ट मेट देयर पार्टनर, व्हाट वाज दैट फिजिकल थिंग दे सॉ? मुझे इतनी शर्म आ रही थी यार, मैं मतलब इतनी बच्ची छोटी सी मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे मतलब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। जैकलीन, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग यू सॉ इन वरुण? हिज बॉडी। बॉडी बॉडी मतलब व्हाट अबाउट हिज बॉडी? राइट पैर, एंड जब वो हग करता है मुझे तो आई फील वेरी सिक्योर बिकॉज आई एम बिग, सो आई कांट यू नो गो हगिंग अ स्किनी गाय। ओके आशा, उसका बॉडी शेप मुझे बहुत पसंद है और जब मैं उसे हग करती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता मैंने उसे हग किया है, मुझे मुझे फीलिंग नहीं होता है। Come on Pasha, tell me. First time I saw Raj from back. So Ooh. What I see it, his booty. Oh, come on now. But it's not only for girls, for guys, when guys are nice. Oh, I like it. Listen. A boy is super important. Pasha ने सब बता दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब ऐसे कैसे बता सकते हैं इतना कुछ। Oh my God, you guys are making me miss Karan. So I'm going to tell you what I physically think is very attractive about Karan. I have to say he has these very innocent eyes, but he's very naughty. And he's got really pouty lips. And let me tell you, Pasha, I agree. Karan's got a good... Okay, so now that I know what attracted you to your partner, I want to now flip it. It's 2016, and it's very important for women to feel attractive and sexy and beautiful and romantic. Yes? Yes. So now, here's what I want you to do today. There are cue cards behind you with a pen. Please take them. Ye cue card mein, you need to write one part that attracts your partner the most. Okay, perfect. Kuch aur surprise hai. Okay, baad mein batayenge. But right now, I'm going to let Karan come in because he's going to take over with the boys. एकदम क्लासरूम वाली फील आ रही थी और एक क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आगे क्या होने वाला है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। खुश? हम लोगों को मिस किया लड़कियों ने कि नहीं? बहुत ज्यादा। बिफोर वी स्टार्ट आवर फर्स्ट लव लेसन, मैं अपने साथ कुछ लाया हूं। एक माचिस की तीली है, इसको जब आग लगाओ तो वो जलती है, अगर अच्छी क्वालिटी की है तो थोड़ी देर जलेगी, कभी ना कभी आके इसको बुझना ही है और कभी कभी हम खुद ही बुझा देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये हमें माचिस की तीली क्यों दिखा? एक्चुअली ये माचिस की तीली नहीं, ये रिलेशनशिप की अट्रैक्शन बिट है। स्टार्टिंग में आप लोग मिलते हैं, एक स्पार्क होती है, कहीं ना कहीं आग लगती है, वो आग कुछ रिलेशनशिप्स में थोड़ी देर तक जगती है, कुछ रिलेशनशिप्स में थोड़ी ज़्यादा देर तक जगती है, कुछ रिलेशनशिप में खुद बुझ जाती है और कुछ रिलेशनशिप्स में हम खुद बुझा देते हैं। एंड द की टू अ हैप्पी रिलेशनशिप इज डेफिनेटली टू कीप द फायर अलाइव। सिंपल। यस। या हम शायद बोलते नहीं हैं लेकिन फिजिकैलिटी, अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आज की हमारी एक्सरसाइज इसी के बारे में। लड़कियों के क्यू कार्ड आ चुके हैं। ओके, अब देखते हैं कि आप लड़कों को कितना मालूम है अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में।
So the rules of the game are this. Each couple comes and sits on these two lovely stools, and the boy gets three chances to guess which area attracts your partner the most. एक तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सुनकर के सबकी तोते उड़ गए. Well, the catch is, आपको उस बॉडी पार्ट को किस करना. करके तोते उड़ गए. मुझे बिल्कुल लग रहा था कि शायद भव्या ये चीज नहीं जानता है. मुझे ऐसा लग रहा था कि भव्या नहीं पहचान पाएगा, वो नहीं बता पाएगा, तो थोड़ा सा डर लग रहा था. So the first couple up, Basha and Kamraj, come on down. जब मेरी बारी आई तो मतलब मेरी शक्ल देखने लायक थी यार, मतलब Kamraj is so embarrassed. Basha, ready? Basha का रिएक्शन था. Okay, come on. Chance number one. You relax, relax. Don't shy, relax. I love her. I love her. Kamraj ki shakal dekh lo ek baar. Kamraj teri girlfriend hai. Par baad mein meri. Come on, Kamraj. Stick moving. One. That's it, then guess. Come on. No. Okay, I'm sorry, Kamraj. That was your third time and you got all three wrong. And the actual answer, would you like to tell him where it is or show him? Why don't you show him? Yes! Basically, it was her lower back. Actually, I knew that he knew what we'll get. Because that is not that exact part. Like, so I did for fun, why not? Varun and Jacqueline, come sit. Your first chance, go for it. Okay, first. One. वो सही जगह नहीं थी. Second chance. Go for it. But not bad, Varun. Second time, you got it right. Well done. Come on, Asha and Honey. Okay, our youngest, cutest looking couple. All right, first chance. Honey, go for it. मेरे को अपने आप को लेके कहीं ना कहीं confident नहीं, उसे over confident कह सकता हूँ मैं कि मेरे को पता था मैं किस करूँगा और वो सही हो जाएगा. Cutie pie. Was that the neck? You got it right, buddy. Cutie. Ah. Chak kala janu. Rasta khali kijiye please. Udhar chalo chalo please. Very good. Well done, honey. Well done. Well done, honey. Okay, Rashika and Bhavya. Okay, ready? So, go for it. एक सेकंड रशिका, क्या हो रहा है? करना मेरे को ट्राई किसी में. क्या क्या वो लड़का चेंज करे? मैं रेजिस्ट कर रही थी तो मैं चाहती थी कि उसको समझ में आए कि यार वो उसको नहीं पसंद आ रहा है. दिस इज अबाउट द गर्ल्स नीड. यू डोंट ट्रीट अ वुमन लाइक एन ऑब्जेक्ट एनीमोर. यही एक्सरसाइज है. ओके, सो इट्स अबाउट हर नीड्स. यू आर लर्निंग अबाउट देम. मैं तुम्हें जब बोल रहा हूँ कि यहाँ देखो तो यू हैव टू ट्रस्ट मी. आपको देखना है इस तरफ. तुम्हारे नोज पे वहां मैं किस करता क्या फर्क पड़ता? मुझे लग रहा था लेकिन तुम्हें लग रहा था कि मैं अपर लिप्स पे किस करूंगा या लोअर लिप्स पे किस करूंगा, इससे तुम्हें प्रॉब्लम थी. बट यू हैव टू ट्रस्ट मी. ओके गाइस, थैंक यू. कम ऑन. चलिए, भव्या हैज लर्नड समथिंग अबाउट रशिका टुडे. अब हम थोड़ी देर बाद आपको मिलेंगे आपके अगले लव असाइनमेंट के लिए. तब तक के लिए अपनी अपनी माचिस की पीले लेकर यहाँ से आप जा सकते हैं. लव लेसन में किए गए एक्सरसाइज के कारण कुछ कपल्स के प्रॉब्लम्स बाहर आ गए, लेकिन कपल्स ने लव लेसन में क्या सीखा और क्या नहीं बहुत जल्द दिखने वाला था उनके पहले लव असाइनमेंट में. सेटअप बहुत ज्यादा रोमांटिक था, बिल्कुल 50 शेड्स वाली फीलिंग आई.
Girls, please take a seat. There was two poles and two handbells. So I think maybe something wild. Two poles. Wild two and poles. Rude. MTV Love School Season 2. It's been a lovely day with you girls, and I'm happy to have you again this evening. इस दुनिया की किसी भी किताब में सब जगह एक ही चीज लिखी होती है कि हाँ आपका सोलमेट तो है और इसी दुनिया में होगा क्योंकि उसे भी भेजा गया और जब आपका सोलमेट इस दुनिया में होगा तो इस दुनिया की सब ताकतें आप दोनों के बीच में एक ऐसी अट्रैक्शन पैदा करेगी कि कभी ना कभी उस अट्रैक्शन की वजह से आप अपने सोलमेट को जरूर मिलेंगे सिर्फ छूने की देर होती है इट्स गॉट टू डू विद टच दैट ब्रिंग्स अस टू टुडेज लव असाइनमेंट टच ऑफ लव जहां हम जानना चाहते हैं कि क्या आपका पार्टनर अब भी आपके साथ एक मैजिकल तरीके से कनेक्टेड है है यहाँ पे दो पोल्स जहां पर टांगे जाएंगे आपके बॉयफ्रेंड्स एक एक करके हार्ट रेट मॉनिटर है और एसेंस ऑयल्स हैं और आप लड़कियों के हाथ में ये हमारे स्पेशल लव स्कूल के नंबर्स होंगे आपके बॉयफ्रेंड्स एक नंबर गेस करेंगे और जिस लड़की के हाथ में वो नंबर होगा वो लड़की वहां जाएगी पीछे से खड़े होके कहीं पर भी मसाज कर सकते हैं जैसे कि बैक नेक शोल्डर्स हेड आर्म्स मैं थोड़ी सी एप्रिहेंसिव हुई थी थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी और डर रही थी अगर ऐसा मसाज जैसा कुछ करना होगा तो मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी मुद्दा ये है कि क्या आपके बॉयफ्रेंड्स 30 सेकंड के अंदर पहचान पाएंगे कि ये टच ऑफ लव किसका है उनकी गर्लफ्रेंड का या फिर किसी और I was like, oh my God, 7 girls will do massage for my boyfriend, then I have to do massage for some boys. जो boyfriend अपनी girlfriend को सबसे जल्दी पहचानेगा, वो couple हमारे आज के assignment का couple of the day होगा. हम ये सोच रहे थे, मैं और अनुषा, जब यहाँ पर एक boyfriend खड़ा होगा और किसी और की गर्लफ्रेंड उसे मसाज कर रही होगी तो बाय चांस अगर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाए तो कैसा लगेगा मैं कुछ ज्यादा इनसिक्योर रहती हूँ उसे ले लेके कोई बंदी देख भी ले तो मेरा बस ऐसी है खा जाना है मार डालना है ऐसे जान पे तो मतलब मेरी तो पूरी जल के दम राख हो गई थी ओह माय गॉड Jacqueline's already ready to hit Varun before anything has happened. एक और चीज़, your strategy has to be आप ये assignment जीतेंगी तब अगर किसी और का boyfriend आपको अपनी girlfriend समझ जाए ताकि जब आपका boyfriend आपको recognize कर लेगा कम समय में आप बाकियों को eliminate कर रही हो. Do you understand the strategy here? Let's not cheat. Don't giggle. Don't because obviously sound hota hai to obvious hota hai aur love exams love assignments jeetna bahut bahut zaruri hai pichli baar elimination nahi hua tha lekin is baar aisa kuch nahi hota which reminds me pichli baar ke hamare love exam mein ek couple jeeta tha so us couple ko ek advantage hai jo couple hara tha us couple ke liye ek disadvantage bhi hai aur hamara pichla love exam कौन जीता था और कौन हारा था ये हम आपको वक्त आने पर ही बताएंगे Well, let's see how well they know your touch of love. आओ बकरा नंबर वन. He was excited. Whose boyfriend came in first? And oh my God, obviously I see that Hemraj Bharadwaj came in. मेरी आंखें बंद थी और मुझे लेकर के आया जा रहा था तो उस टाइम पे मैं देख नहीं पा रहा था और मैं मतलब बहुत डर डर के चला यार आंख बंद कर रखी है यार अरे बैग फिर उन्होंने मेरे हाथ बांध लिए वो मेरी उंगली में कुछ चीज लगाने की कोशिश कर रहे थे और काफी ज्यादा मैं डर रहा था कि यार ये क्या है हटा दो इस चीज को खेमराज कैसा लग रहा है
Yeah. वो तो दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आपके साथ क्या होने वाला है? कोई अंदाजा नहीं है। ऐसा है कि आप एक से लेकर आठ के बीच में कोई भी एक नंबर चूज करेंगे, उस नंबर के पीछे एक लड़की असाइंड है, वो हमारे कंटेस्टेंट्स में से कोई भी हो सकती है, शायद आपकी गर्लफ्रेंड, शायद नहीं। ठीक है। जब आप कोई नंबर चूज करेंगे, वो ही उस नंबर की लड़की आपके पास आएगी और आपको पीछे से मसाज करेगी। जैसे ही आपको पता चल गया कि ये जो लड़की आपको हाथ लगा रही है आपकी गर्लफ्रेंड है, आप वहीं पर इस गेम को रोक सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब मैं आपके कान के ऊपर एक हेडफोन लगाऊंगा जिससे आपको कुछ सुनाई ना दे सके। एक नंबर चूज करो। टू। Off you go. Number two. आपका समय शुरू होता है अब। Come on. ऑयल से मुझे थोड़ी सी इरिटेशन है। ऐसा क्यों? अरे मैं नाम तक बता सकता हूँ यार। बताओ बताओ। कौन थी? जैकी। I was confident that he will guess that this is not me. चलिए एक एक नंबर बताइए एक से आठ के बीच में। Six. Bounce, just keep on bouncing, baby. Bounce, bounce, just keep on bouncing. Dil mein ki baaton mein, kabon ki baaton mein, baahon mein aaja sar jaaniya. Chup chup ke dhadkanon ki. Hemo, haan ji, maza aa raha hai? Halka sa confused. Ab tujhe decide karna hai, haan ya na. नहीं है। चलिए अब अगला नंबर चूज कीजिए आप। फिफ्थ। ये होगा क्या? आपको लग रहा है क्या? भाई इतना तो पता यार मेरे को। पिछली मसाज कैसी थी? मर्दों जैसी मसाज थी ये। थैंक यू यार, मेरे ट्रेनर के लिए तुमने अभी बड़ा अच्छा वो दे दिया, मेरा ट्रेनर मशहूर हो जाएगा। चलिए नहीं है। सोच ले। हाँ नहीं है। कसम से बाद में पता चले ना कौन कौन है, बदला नहीं पाऊंगा। मतलब मारने से हाँ बोल दूंगा क्या? चलिए नहीं है तो नहीं है यार। शेपी हो गए लो। ठीक है केमू यार, तू भी आइटम निकला। चलो अगला नंबर बताओ। सेवन। खेमराज की चांस आई तो उसको मसाज कौन देगा? वो तो बहुत ही हिलता डुलता होगा, पता नहीं क्या करता होगा, बड़ा सांड जैसा है। नहीं है। No, no, my confidence has become more about him. खेमू? हाँ जी। अगला नंबर। Hey darling, aankhon se aankhe char karne do, darling, aankhon se aankhe char karne do. Ab kaise tum dance? Yeah, yeah. Pakka? Haan, 150% yaar. Uske haath fold hai, uska blood alag hai. Pata hai mujhe. Indian touch karenge mere ko. I was sure that he will guess. He will get my hands because I have special secrets. It's love. उस वक्त पता है मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि लव सच में बहुत बड़ी चीज होती है, कि लोग को अगर सच में प्यार होता है
तो वो अपने पार्टनर का टच समझते हैं। वरुण जी भाई चलिए एक नंबर गेस कीजिए। कब मैं काफी कॉन्फिडेंट थी कि ये किसी को पहचान नहीं सकते। ही नोज माई टच, वो पहचान लेंगे कि जब मैं आऊंगी। मेरी बंदी जब मैं देख रहा हूँ सामने, मेरे सामने ही मसाज कर रही है, तो उस टाइम पे तो मेरी बेजी सुलग रखती, लोगों की हार्ट बीट बढ़ रही है, मैं तो जल भून रखा था उस टाइम। जासीन नहीं है। वरुण अगला नंबर बताइए। छह। जासीन नहीं है। चलिए अगला नंबर चूज कीजिए। फाइव। हार्ट बीट बढ़ रही है। जैकलिन हमेशा जानती है मेरे को ना बाइसेप पे मसाज लेना पसंद है, तो कोई इससे नीचे आया ही नहीं, वो यहां तक आई, तो मुझे लगा जैकलिन ना मुझे हिंट दे रही है। जैकलिन है थोड़ा समय देखा तो जवाब लेते नहीं, ही वाज ओवर कॉन्फिडेंट, ये जैकलिन है, ये जैकलिन है, और यहाँ खड़े होकर मैं गालियां दे रही थी इनको अंदर से कि नहीं मैं वो जैकलिन नहीं है, बदलो बदलो बदलो। आपको कैसे पता चला? उसका टच अलग है, मुझे इस तरह के छूती है, आई डोंट थिंक सो ये टच किसी और लड़की में हो सकता है। अगर वो मुझे मसाज भी देती है, वो मेरी बॉडी को फील करेगी। I was so emotional already and काफी बुरा लग रहा था मुझे। मैं तो किस बात की थी कि किसी और लड़की को मैं ही समझते, कह रहे थे उसकी फील बहुत अलग है, उसका टच मेरे बदन को करंट देता है, जबकि कोई तीसरी लड़की कैसे करंट दे सकती है तुम्हें? वो मैं नहीं थी। ये भी बता दीजिए कि कौन थी। I'm sorry यार। जैसे कि मैंने कहा, कभी कभी आप उस टच को, उस मैजिक को जो आपके बीच में से एक करंट जाता है, उसे भूल जाते हैं। सी हमारे बीच टच है, तुम जानती है ना, जब भी टच ही था वो कनेक्शन है, बट इट्स जस्ट अ मिस्टेक। उस गलती को सुधारने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, एंड आई एम श्योर वी'ल फिक्स इट। ओके वरुण, जस्ट ब्रोक डाउन, मैं गुस्सा क्या, मतलब सब कुछ मैं बस टूट गई थी, बस कुछ था ही नहीं करने को, मुझे बहुत बुरा लग रहा था एंड बस मन कर रहा था कि घर चली जाऊं, एंड बहुत बुरा लग रहा था, मैं बस रो पड़ी, रोक नहीं पाई अपने आप को मैं। अनिक। हाँ जी पाजी। अब एक चीज मैंने पहले बताई थी कि हमारा जो पहला लव एग्जाम था उसमें जो जीतेगा उसे एक एडवांटेज दी जाएगी और जो हारेगा उसे एक डिसएडवांटेज दी जाएगी, राइट? तो आप और आपकी गर्लफ्रेंड रशिया हमारा लव एग्जाम हारे थे। आपका डिसएडवांटेज ये है, जब आपको कोई लड़की पीछे से मसाज कर रही होगी, हम आपको आगे से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंट भी था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि जितनी भी रुकावटें आई मैं कॉन्फिडेंट बहुत रहता हूँ हम लोगों को लेके। चलिए एक नंबर चूज कीजिए। सेवन। मेरी तो दम जान जल गई थी, मन कर रहा था जाके खींच के फेंक डालूं और मैं इसका मसाज करना स्टार्ट कर दूं। माइंड ब्लोइंग, हम सब शॉक्ड हो गए थे साला, मेरा इसे पता नहीं। वो बंगाल से स्पेशल परफ्यूम लेके आई थी, शैंडी को इंप्रेस करती है जिस स्प्रे से, वो स्प्रे की खुशबू चार रूम तक जाती है जहां वो रहती है। चलिए अगला नंबर बताइए। थर्ड। जब उसने नंबर थ्री बोला जो कि मेरे पास था, तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई, हाँ बंदे ने मुझे बुला लिया। बोलो। बेबुद ऐशा पक्का? हाँ। क्या हुआ बेटा, इतनी बड़ी गलती? देखो मालूम है ना कि तू पिछला एग्जाम हारा है, इतनी जल्दी क्या थी? क्या गधा है यार तेरा, हर जगह तेरे को डिसअपॉइंट कर रहा है, बोल कुछ उसको। आशा आप इतनी इमोशनल क्यों हो रही है? वो रो रहा है। रोना बनता है,
क्योंकि गरम वैक्स लगाने के बाद भी तुझे पता लग गया कि तेरी गर्लफ्रेंड। वाओ चलिए, मुझे जो काफी टेंशन था, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, गाने वाने चालू हुए, आई वॉज लाइक जस्ट डोंट लूज योर कंपोजर, जो भी होगा दिमाग लगाओ अपना, सब दिमाग का ही खेल है, बॉडी तो यूज करना नहीं है। चलिए भव्या, अपना नंबर चूज कीजिए, पहला 4। मुझे इतना पता था पहले गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, ज्यादा मैंने भी मसाज नहीं दिया है तो पक्का हार्ट रेट बढ़ेगा। एक पॉइंट पे ये भी बुरा लग रहा था कि यार कैसा है ये यार, इसकी किसी से भी हार्ट रेट बढ़ जाती, कैसा लड़का है ये। हार्ट बीट बढ़ रही है। यस बाबा। नो सर। आर यू श्योर? या। चलिए अगला नंबर बताइए। 3। No, no, no. क्यों? I might be wrong also, but sir, let me just feel more. मैं तभी इसका आवाज, I think ये जो हाथ रफ कर रही थी, नहीं ये जो हाथ रफ कर रही थी वो आवाज में सुन रहा था। तो ज़्यादा feel मत कर, चलो अनुषा वापस आ। Let me just feel more. अगले task पे देखता हूँ तेरे को क्या। चलिए अब आ रही है आपके पास नंबर 3। लड़की ने जब फिंगर्स रखे मेरे ऊपर तो मैं सोच रहा था कि ये राशिका है कि नहीं। आई वॉज नॉट लिविंग इन द मोमेंट, आई वॉज जस्ट लिविंग इन द पास्ट। मतलब राशिका ने जब मुझे टच किया था तो कभी जब यहाँ टच किया था तो कैसा फील हुआ था, क्या वो ऐसा टच कर सकती है? यस बताइए। नो सर। क्यों? सर ये जहाँ मैं प्रेफर करता वहाँ पे टच नहीं कर रही है। आई मीन इसका टच इज क्वाइट क्लोज टू हर, उसका प्रेशर वगैरह एंड उसका वो कोल्डनेस वगैरह सब सेम है ऑलमोस्ट। इतना ज्यादा इरिटेशन हो रहा था मुझे कि भव्या बोलते जा रहा है, एक एक पॉइंट बोलते जा रहा है। और आप कहाँ प्रेफर करते हैं? सर वो बोल दूंगा तो बोल दूं क्या? शट अप शट अप शट अप। नो ये थोड़ा बॉडी के अपर साइड पे प्रेफर करती है। नो नो। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइए। 1। No. Next number, Bhavya. 2. No, no. No. राशिका प्रधान। तो बहुत ध्यान से मैं सुन रही थी कि वो कैसे वो सर्कल करके मसाज करती है, कहाँ से स्टार्ट करती है, कैसे करती है, तो मैंने प्रॉपर उतने ही प्रेशर से उतने ही तरीके से मैंने मसाज करी, क्योंकि वो दोनों तरफ का गेम था। कैसे पता चला? आई एम नॉट श्योर वो राइट था कि नहीं। दिस वॉज द फर्स्ट हैंड जो आराम से जिसने टच किया एंड इट स्टार्टेड गोइंग कंफर्टेबली, सो दैट्स हाउ आई थॉट इट शुड हैव बीन। राशिका, राशिका आपको कुछ बोलना? यू वांट टू ब्रेक द न्यूज? आई थॉट यू विल अंडरस्टैंड, आई मीन यू नो मैं तुम्हें कहाँ पे टच करती हूँ। आई गेस द शोल्डर्स। वेयर इन द शोल्डर्स? ऑन दिस बोन। यस। एक बार बताओ, 3 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद आपने जो नंबर सेलेक्ट किया था वो राशिका का था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया जाने से, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी उसने आपको प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट? या शट अप शट अप शट अप। नो नो। राशिका ये असाइनमेंट आप हारी हैं,
भव्य ने डिस्क्वालीफाई भी कर सकता था, पर मजा नहीं आता। मैं चाहता था कि आप हारो, हारो किसी और से, और याद रखो अगर नहीं बोला होता उसको चुप करो नहीं बोला होता तो मैं आपको जाने देता और आप ये जीत जाते। आपकी गलती है ये, उसका नहीं, तो उसको ब्लेम मत करो। And this time it's cost you. And now it's your fault, don't you dare blame him. And this is why your relationship suffers. Come. Let's do anything. इसको कुछ नहीं पता होता है, बस चीजें अज्यूम करती है, और ये अज्यूम करने के चक्कर में ये सामने वाले को भी पोपटी समझती है, जो खुद खुद को कुछ नहीं पता तो सामने वाले को भी कुछ नहीं पता। अरे तुम बीच में मत बोलो यार। भुवन, आपको पता क्या होने वाला आपके साथ, राइट? हाँ जी। लेकिन एक बात है यार, पिछला जो लव एग्जाम हुआ था, हाँ जी, मैंने कहा था कि जो उसमें लास्ट आएगा उसको एक डिसएडवांटेज मिलेगी। हाँ जी। और मैंने ये भी कहा था कि उस लव एग्जाम में जो फर्स्ट आएगा जी उन्हें एक एडवांटेज मिलेगी। कांग्रेचुलेशंस, आप और रंजना हमारे पहले लव एग्जाम के विनर्स हैं। ओ थैंक यू सो मच। अब एडवांटेज ये है कि आप किसी एक लड़की को दोबारा आपको मसाज देने के लिए बोल सकते हैं अगर आपको लगे कि आपको एक और चांस चाहिए, ताकि आप अच्छी तरह से डिसाइड कर सके, आप अपनी एडवांटेज को इस्तेमाल कर सकें। चूज अ नंबर। 7। She is not my girl. चलिए नेक्स्ट नंबर। 3। खत्म हो गया? हाँ जी हो गया। अगर आप चाहो तो ये वाली मसाज भी एक मिनट और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। हाँ मैं ये एक बार लेना चाहूंगा, एडवांटेज यूज करूंगा। अभी करेगा कि आगे करेगा? अभी दूसरी लड़की पे एडवांटेज यूज करे, देख ले, चांस है तेरे पास, आगे कहीं यूज कर ले। चलो ठीक है, बाद में यूज। बहुत बुरा लगा था कि भुवन couldn't recognize, जबकि मैंने उसको सारे हिंट दिए थे कि मैं ही हूँ। अगर वो सेकंड थॉट देता तो अपनी गर्लफ्रेंड को शायद पहचान लेता, लेकिन he was more into enjoying that massage. हाँ मैं अभी पावर अपना पावर एडवांटेज यूज करना चाहता हूँ। ओके आई गेस ये मेरी गर्लफ्रेंड ही है। कैसे, क्या हुआ और आपको लगा कि यही सही चॉइस था? एक्चुअली रांझी के हाथ बहुत छोटे हैं, एंड उससे पहले जितने भी मैंने हाथ मतलब फील किए हैं वो थोड़े से साइज में बड़े थे, बाय द साइज ऑफ द हैंड मेरे को फील हुआ। वेल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको गलत फील। ओके, मैंने तभी बोला है गाइस। रंजना काफी पहले आके आपको मसाज करके जा चुकी थी और आपने चॉइस नहीं की। I'm sorry. चले। That time था, they look like like three dogs. Like, sorry baby. It was like, sorry. जगनूर एक नंबर चूज कीजिए। 3। No. Yeah.
नो यस मैंने कहा क्या हो गया इनको मतलब अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि ऐसा मेरा तरीका है ही नहीं तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोच के क्या किया मतलब मुझे बहुत बुरा लगा दैट इज द फास्टेस्ट डिसीजन मतलब ना हार्ट बीट चेक की ना मतलब मैन वैमी कैसे हुआ ये क्योंकि मैं कल रात को ही बैक मसाज ले रहा था तो मुझे लगा शायद ये मोनिका का ही टच था अमेजिंग कॉन्फिडेंस यार इतना अमेजिंग कॉन्फिडेंस मतलब आसपास भी नहीं है वो मोनिका के मोनिका तो नहीं मेरा फर्स्ट क्यों कैसे आपकी गलती नहीं है एक्चुअली आज अर्शिया ने दो चार विकेट तो गिराई दी हैं जगनूर को तो मैंने मतलब उसके मतलब बैग के पास सुकसा दिया जगनूर को सुकसाया नहीं मैंने भी वही ट्रिक उस पर आजमाई तो उसने मतलब वो बेवकूफ है यार इसमें मेरी गलती नहीं है मेरा जो काम था मसाज करना मैंने इसका किया काम है मसाज करना नहीं मतलब वो लेसन में वो असाइनमेंट में था कि मुझे मसाज करना है वो लोग का दिमाग मतलब यहाँ भटकाना है जो मैंने किया संदीपान चूज योर फर्स्ट नंबर 3 क्यू जी मुरुगन Quick gunna. छोड़ दीजिए नहीं बिल्कुल नहीं क्यों पता चल जाता है आ जाइए नेक्स्ट नंबर 5 Yes. Good job. Sandipan, आपको इप्सिता का मसाज कैसा लगा? अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा ना? पता नहीं है कि वही था क्या, पर लगा तो वही है. पहले नंबर पे आपकी गर्लफ्रेंड ही आई थी जिसको अपने पता चल जाता है. आइए, आइए बैठिए. मुझे इतना रोना आ रहा था थोड़ा हटके भी लगा कि कैसे बोल सकता है लेकिन ठीक है मैं इसको कुछ नहीं बोला वैसे ड्रामा वामा नहीं किया रोया नहीं तो नंबर 8 रशिका है शायद से रशिका है कौन सी वाली रशिका की बात कर रहे हैं अपने वाली कि मंदी काफी शॉक में थी कि कल ही तो मसाज दिया था मैंने तुम्हें फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं पहचाना सो गाइस क्लियर कट विनर है कपल ऑफ द टच ऑफ लव लव असाइनमेंट Hemraj and Pasha. Automatically, aap, my dear, last mein hain. Kyunki aap disqualify. Baki log, jo last aur top ke beech mein hain, jinhone galat answers diye, disadvantage ye hai, ki agar agle love exam mein, आप में से कोई एक फर्स्ट नहीं आया तो आप अगले जजमेंट नाइट में डायरेक्ट बॉटम में मेक श्योर दैट यू विन द नेक्स्ट लव एग्जाम ऐसा लगा फेल्ड टोटली फेल्ड इट वाज अ वेरी वेरी टफ मोमेंट मेरे लिए बहुत टफ मोमेंट था जाइए रेस्ट कीजिए लव एग्जाम की तैयारी कीजिए बाय Don't fight too much.